हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्या ब्याज दरें बढ़ाई हैं, क्या आउटलुक दिया है वो बताने वाला हूं। साथ में यहां पे Q4 के रिजल्ट्स आए हैं फेडरल बैंक के, मेरिको के, ब्रिटानिया के और अलेक्ट्रा ग्रीन के, तो ये भी डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट खबर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हमारे जो टेलीग्राम है उसके ऊपर हर दिन जो मार्केट ओपन होता है उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों स्टडी होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के हिसाब से निकाले हुए प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं, इनका स्क्रीनशॉट मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम पे मिलता है, तो इसको आप जाकर के जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इस पे मिलती है। अब चलते हैं जो न्यूज़ है उनके ऊपर। तो पहली न्यूज़ है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो ECB है उन्होंने यहाँ पे 0.25% ब्याज दरें बढ़ाई है, और इन्होंने तो ये कहा है कि हम आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा आउटलुक है कि आगे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल लाने के चक्कर में, तो ये भी महंगाई के कंट्रोल का एक भूत सवार है, कंट्रोल लाने के चक्कर में है। अब मार्केट इनको जो न्यूज आई है उसको देखते हुए भी आप देखोगे तो यहां पे 1% के करीबन जो FTSE FTSE इंडेक्स है वो बंद करके चला गया, तो इनके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फिर अपने मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अभी डाउ का भी देखो तो सबसे पहले डाउ का ही देख लो, डाउ जोन्स है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो तेज़ी बनी हुई है और अपना मार्केट एकदम पूरा रेड हो गया है, और उस टाइम पे मार्केट जो डाउ है वो यहाँ पे 400 पॉइंट प्लस के अंदर चल रहा है, करंट मार्केट के अंदर ही है। तो ये क्यों चल रहा है, तो इसके अंदर भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है। अब यहाँ पे अपने मार्केट की बात करूँ मैं तो अपने मार्केट है देखो, यहाँ पे निफ्टी है वो 150 पॉइंट से ऊपर क्लोज करके चला गया माइनस में, फिर बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे 1000 पॉइंट माइनस में करके चला गया है, 700 पॉइंट सेंसेक्स माइनस में करके चला गया है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, इनके पीछे वजह हैं। तो यहाँ पे वजह क्या है, तो मैंने एक मॉर्निंग के अंदर वीडियो डाल दिया था, तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर समझा दिया था कि किस प्रकार से और क्यों गिरे हैं अपने मार्केट, और गिरने के पीछे की वजह भी आपको यहाँ पे क्लियर किया था। तो इस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आई कार्ड सेक्शन भी मिल जाएगा, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका मतलब गिरता क्यों है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है और जो न्यूज़ है उसका एनालिसिस कैसे करना है वो इस वीडियो के अंदर बताया है, तो इसको देखिएगा। साथ में अब एक वीडियो और आएगा मॉर्निंग के अंदर, अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हुआ तो बाज़ार में आ सकती है भयंकर गिरावट, तो यहाँ पे ये वीडियो आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की गिरावट के पीछे की वजह ये है, ये वीडियो मैंने समझा दिया है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये हो सकती है, बढ़ भी सकती है, किस प्रकार बढ़ सकती है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका मतलब कल मॉर्निंग के अंदर आएगा, तो इसको भी देखिएगा। अब चलते हैं जो न्यूज़ है रिजल्ट एनालिसिस है उनके ऊपर। तो यहाँ पे फेडरल जो बैंक है उसके अंदर बात करें तो फेडरल बैंक है वो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट के हिसाब से तो शेयर जो रिजल्ट हैं वो अच्छे हिसाब से आए हैं, लेकिन इनका क्या हुआ है, NII है जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे 25% के करीबन ही इंक्रीज होके आई है, ये 25% इंक्रीज होके ही आई है, और इनका जो ग्रॉस NPA है वो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.9% यहाँ पे बढ़ गया है। तो इस वजह से अच्छे रिजल्ट्स होते हुए भी है यहाँ पे रिजल्ट्स, तो मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट की वजह से ही सिर्फ अच्छे नहीं हो सकते, प्रॉफिट अच्छा आया है लेकिन रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे ठीक ठाक आए हैं, तो ठीक ठाक रिजल्ट्स में भी बैंक हैं वो गिर रहे हैं, आपको क्लियर पता होगा, और भी बैंकों के ऊपर ये ऐसे ही इम्पैक्ट पड़ा है, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं वही ज़्यादा चले हैं। तो फेडरल बैंक है ये यहाँ पे आज अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी, सॉरी अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, मैं बार बार प्रॉफिट के वजह से अच्छे बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स ठीक ठाक रिजल्ट आने के बावजूद भी यहाँ पे 8% गिर गया है, तो ये भी इसने भी निफ्टी को गिराने के अंदर पूरा योगदान दिया है, 93 पॉइंट बैंक निफ्टी को इसने भी गिराया है। ठीक है, अब चलते हैं जो दूसरा रिजल्ट्स है वो है मेरिको। मेरिको की बात करें तो रिजल्ट्स हैं मेरिको के वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरिको के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे कमज़ोर भी बोल सकते हो आप और ठीक ठाक भी बोल सकते हो, लेकिन कमज़ोर साइड में ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉफिट जो प्रॉफिट है यहाँ पे 18.67% बढ़ के आया है। अब इनका जो आप देखोगे कि जो प्रॉफिट तो यहाँ पे मतलब आ गया, लेकिन जो परफॉर्मेंस है सीक्वेंशली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ये तो आपका 18% ईयर ऑन ईयर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो यहाँ पे डिक्लाइन होके आया है 8.41% के करीबन, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो घट के आया है। ये आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का है, तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया है, तो प्रॉफिट जो है Q4 FY23 का तो 257 करोड़ रुपये के करीबन ये आया है।
तो यहाँ पे प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट के आया है और ईयर ऑन ईयर बढ़ के आया है। तो ये मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे ऑपरेशनल जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ही मतलब बढ़ा है, 3.65% के करीबन बढ़ के आया है। तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ये रिजल्ट्स आप कमज़ोर भी बोल सकते हो और ठीक ठाक भी बोल सकते हो, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। और यहाँ पे मैरिको है वो -4% आज मार्केट के अंदर गिरा है, तो रिजल्ट्स कमज़ोर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले रिजल्ट्स के ऊपर। तो ब्रिटानिया के रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अंदर प्रॉफिट है वो 47% इंक्रीज होके आया है और यहाँ पे जो सेल्स है वो 13% इंक्रीज होके आई है। अब यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है वो 52% इंक्रीज हो गया है, मतलब एक पूरे साल का है ये, तो 52% यहाँ पे इंक्रीज हो गया है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर है वो यहाँ पे 15.3% के करीबन जंप करके आया है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 47% के करीबन इंक्रीज हो गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 30% इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे इसका जो काम करने का तरीका है, बिजनेस है, वो अच्छा है और यहाँ पे इन्होंने मार्जिन भी अच्छे किए हैं, प्रॉफिट भी अच्छा किया है, तो सब चीज़ें अच्छी हैं ओवरऑल। तो प्रॉफिट सॉरी रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, समरी है कि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले रिजल्ट्स की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और ये कंपनी का रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये कंपनी का रिजल्ट्स आना भी चाहिए था अच्छा। और इसका मतलब मैंने वीडियो भी सेपरेट बनाया था कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। तो यहाँ पे देखोगे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं लेकिन यहाँ पे 1.5% नीचे बंद हुआ है। अभी रिजल्ट्स आए हैं, पहले नहीं आया था। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का यहाँ पे प्रॉफिट है वो 27 या 28 करोड़ रुपए के करीब आया है, जो क्वार्टर पिछले क्वार्टर के अंदर 13 करोड़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 17 करोड़ था। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना जंप करके आया है, प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 113% इंक्रीज हो गया है यहाँ पे दिख रहा होगा, और ईयर ऑन ईयर है वो 60% के करीबन इंक्रीज हो गया है। रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है रेवेन्यू 48% इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर है 37% इंक्रीज हो गया है। और एबिटा की बात करें या ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी 52% या 53% इंक्रीज हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर है वो यहाँ पे 43% के करीबन इंक्रीज होके आया है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ऑर्डर्स भी अच्छे आए हैं, कंपनी की जो गाइडलाइन है यहाँ पे कमेंट्री है वो भी अच्छी है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के रिजल्ट तोड़फोड़ भी बोल सकते हो, अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स हो गए और जो न्यूज़ थी वो भी मैंने आपको बता दी, आज इतने ही थे और जो बाकी के वीडियो हैं वो कल आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एनालिसिस के वीडियो भी आने वाले हैं तो कल आप इनको भी देखना, और साथ में स्टॉक्स के भी जो मल्टीबैगर स्टॉक्स के हैं वीडियो वो भी आने वाले हैं, तो उनको भी जरूर से ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ जो रिसर्च की है वो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऐप स्टॉक में आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, साथ में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो लाइफ टाइम के लिए 0 लगेगा। तो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।